तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बहुत ही अजीबो गरीब और इंटरेस्टिंग किस्सा। कैसे? अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने देश की दो बड़े टीवी चैनल्स को अपना असली रूप दिखा दिया और उन टीवी चैनल को उनकी जगह दिखा दी। वो ज़माना था जब टीवी चैनल्स वाले अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, डॉन से भी बड़ा। लेकिन उस दौर में जब दाऊद का बोलबाला था, जब हर चैनल के लोग, बड़े बड़े लोग दाऊद गैंग के गुण गाते थे, उस जमाने में जब छोटा राजन पे अटैक होता है बैंकॉक में 2000 में, तो चैनल वालों को ये मौका मिल गया कहने का कि देखिए दाऊद ने फिर छोटा राजन पे हमला कर दिया। जो एक पब्लिसिटी जो छोटा राजन के खिलाफ चल रही थी पूरे मीडिया में रिपोर्ट्स के, कहते छोटा शकील और दाऊद के लोगों ने बैंकॉक में जाके छोटा राजन को ढूंढ लिया, उसके घर पे हमला किया, कैसे वो खिड़की से कूद के नीचे भागा, अपनी जान बचाई और बाद में हॉस्पिटल पहुंच गया। खैर ये बातें कहीं ना कहीं छोटा राजन के दिमाग में घर कर गई और उसने अंदर खाते ये फैसला कर लिया कि ये बड़ी बड़ी चैनल वालों को इनका असली चेहरा कैसे दिखाना है और मुझे छोटा राजन को अपना चेहरा कैसे दिखाना है। बहुत से प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स बैंकॉक पहुंचे, कुछ लोगों से छोटा राजन ने बात की, कुछ लोगों से नहीं की। लेकिन वो चैनल्स जो अपने आप को कुछ आम चैनल से बड़ा समझते थे और थे भी बड़े, बड़ा ग्रुप उनके पीछे था और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उन चैनल के पीछे थे, तो जब उन चैनल ने छोटा राजन को अप्रोच किया हमले के बाद, जब वो ठीक हो गया अपने बॉडीगार्ड के साथ, काला कोट काली पैंट पहन के बड़े सारे सोफे पे बैठा जो शायद हॉस्पिटल के अंदर का ही होगा, और उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही है, जो मैंने वो समय भी देखी थी इंटरव्यू, एक दो दिन पहले फिर देखी, लेकिन बहुत ही कंपोजर, अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए छोटा राजन ने वो इंटरव्यूज दी। उनमें से एक चैनल थी NDTV इंडिया और उसके रिपोर्टर थे संजय आहिरवाल और दूसरी चैनल थी आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की, जिसके उस समय रिपोर्टर थे दीपक चौरसिया। अब दीपक चौरसिया को कौन नहीं जानता, बहुत से रूप रंग हैं उसके, मैंने उतने शहर नहीं देखे होंगे हिंदुस्तान के जितनी चैनल दीपक चौरसिया ने बदल ली हैं अपने इन सालों में। भगवंत मान का एक डायलॉग है बहुत फेमस कि एक साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन शायद दीपक चौरसिया का वो स्टैंड भी नहीं है। कर जोक सपाट, मेरी दीपक चौरसिया से कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई, उसकी चैनल पे जहाँ वो होस्ट हो उस समय मैंने कभी, मुझे मौका ही नहीं मिला उनकी उस चैनल पे बात करने का जहाँ दीपक चौरसिया एंकर बन के बैठा हो। लेकिन हमारे बहुत से कॉमन फ्रेंड्स हैं पुराने जमाने से लेके आज तक, जो लोग हमारे एक दूसरे की बातें पहुँचाते रहते हैं, एक दूसरे तक खबरें मिलती रहती हैं, पहुँचाई जाती। संजय अहिरवाल को मैं ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला, ना ही मुझे कोई इतना याद है कि उसने कुछ बहुत बड़ी कोई स्टोरी ब्रेक की होगी या कुछ किया होगा। दोस्तों वो ज़माना था जब रिपोर्टर की हैसियत
उसके अदारे से जुड़ी होती थी। जितना बड़ा आपकी चैनल का नाम या अखबार का नाम, उस नाम के साथ रिपोर्टर को जाना जाता था, सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो न्यूज़पेपर एंड चैनल। तो रिपोर्टर की औकात तो बहुत छोटी होती थी, लेकिन जो चैनल का बिल्ला पीछे लगा होता था ट्रेडमार्क, वो बड़े बड़े ऑफिसर, दूसरे लोग सारे वो चैनल से डरते थे, और रिपोर्टर्स को गलत फहमी हो जाती थी कि वो बहुत बड़े हैं, चैनल से भी बड़े, और अल्टीमेटली उन सबको धूल चाटनी पड़ी। आज भी बहुत है ऐसे, लेकिन वो सरकारी संरक्षण में चल रही चैनल्स के एंकर हैं। आज नहीं तो कल उनका भी वही हाल होगा जो पुराने जमाने के उन लोगों का हुआ। खैर, तो इन दोनों ने भी अपने सोर्सेस से छोटा राजन से कांटेक्ट किया बैंकॉक में कि हमें आपकी इंटरव्यू करनी, और छोटा राजन ने बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों को ओके कर दिया। एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू होती है दीपक चौरसिया से, जो शायद एक घंटे से भी ज़्यादा चली। उसमें बहुत सारे सवाल जवाब होते, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें होती, और वहाँ पे दीपक चौरसिया छोटे राजन से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई भीगी बिल्ली किसी से डरने के डर के किसी के डर से म्याऊं म्याऊं कर रही हो। कोई भी तीखा सवाल नहीं, कोई तीखे तेवर नहीं, जो ये लोग अक्सर अपने एंकर की कुर्सी पे बैठ के दिखाया करते थे। छोटा राजन ने बड़े समय से सबके जवाब, ये आज के दिन में छोटी छोटी इंटरव्यूज नेट पे अवेलेबल हैं, आप देख भी सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबी इंटरव्यूज हुई थी। उसके बाद दूसरी इंटरव्यू होती है संजय आहिरवाल से, वो भी इसी तरह काफ़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू हुई, लेकिन दोनों में तकरीबन सवाल एक जैसे थे और छोटा राजन के जवाब भी एक जैसे थे। अब छोटा राजन के मन में था कि इन लोगों को इनकी जगह दिखाई जाए, ये दोनों शख्स तो बहाना थे, ये तो अपनी चैनलों के प्यादा थे, जो किंग थे चैनलों के, उनको छोटा राजन उनकी औकात दिखाना चाहता था। तो छोटा राजन ने बड़े दिमाग से तरकीब लड़ाई, उसने बड़े प्यार से बिना नाराजगी के ठरमे से, वो शायद पहली इंटरव्यूज थी दोनों जिनमें छोटा राजन को अंग्रेजी बोलते हुए भी सुना गया। बहुत से लोग हैरान हुए कि छोटा राजन ने अंग्रेजी बोलनी कहाँ से सीख ली। अरे भाई, जो आदमी परदेश में इतने साल रह रहा है और इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो उसको एक अंग्रेजी का ट्यूटर रखने में क्या कितना समय लगता है। सबसे जो कंट्रोवर्शियल सवाल था जो दोनों रिपोर्टर्स ने पूछा, क्या आप के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, इतने मुकदमे हैं, आप भारत आओगे तो क्या आपके ऊपर सब केस चलेंगे, तो आप भारत आओगे या नहीं आओगे। तो छोटा राजन ने दोनों को जवाब दिया कि मैं आज के दिन में भारत जाना तो चाहता हूँ, मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मैं आज के दिन में नहीं जाऊँगा। उसको पूछा जाता है क्यों नहीं जाओगे, सोचा समझा और साधा हुआ बयान था, अभी मेरा भारत जाना सेफ नहीं है, बहुत सारे अदारों में अभी भी दाऊद के लोग बैठे हैं, और वो मेरा कहीं भी कोई भी नुकसान कर सकते,
इसलिए मैं अभी देश वापस नहीं जाऊंगा। एक दूसरा बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल था जो दीपक तरसिया ने पूछा, आप अपने आप को हिंदू डॉन कहते हैं और लोग मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन है, आप इसको कैसे देखते हैं? उसका जवाब छोटा राजन ने बहुत बढ़िया दिया। उसने कहा कि ना अंडरवर्ल्ड में कोई हिंदू डॉन होता है ना कोई मुस्लिम डॉन होता है। मेरे ग्रुप में उसने जो शब्द यूज किया छोटा राजन ने, गैंग नहीं किया, ग्रुप किया, कि मेरे ग्रुप में बहुत सारे मुस्लिम हैं और दूसरे गैंग में दाऊद को गैंग का, उसके गैंग में बहुत सारे हिंदू हैं, तो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, उसमें धर्म बीच में नहीं आता। अब छोटा राजन की बात सही है, छोटा राजन के कहने पे यूसुफ बचकाना ने कितने मुसलमानों के मर्डर किए, खुद मुसलमान होते, और छोटा राजन के कहने पे कितने हिंदू लोगों ने कितने हिंदू लोगों को भी मारा। तो उसने कहा कि हमारे काम में धर्म का कोई मतलब नहीं। फिर तो जब उसको पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर फरौतियों के एक्सटॉर्शन के इतने केसेस हैं, तो थोड़ा सोचने के बाद छोटा राजन जवाब देता है कि हमारे नाम से बहुत से लोग फरौती मांगते हैं, मैं तो कमीशन लेता हूँ, मैं जो लोगों के डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के, लैंड के, जमीन के, उनका मैं समझौता करवाता हूँ और उसके लिए अपना कमीशन ले लेता हूँ, जिसमें कोई बुरी बात नहीं, उन लोगों का समय बचता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर बचते हैं और मुझे मेरा काम करने का कमीशन मिल जाता। लेकिन इसके बाद शायद इन रिपोर्टर्स ने कुछ और सवाल किए होंगे कि आपके नाम से तो एक्सटॉर्शन होती है, ठीक है, लेकिन आपकी भी बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग मार्केट में हैं, पुलिस के पास भी है, आपने खुद लोगों से एक्सटॉर्शन मांगी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के बयान भी आ चुके थे कि हमें सीधा छोटा राजन ने पैसा मांगा था, डायरेक्ट बात करके, फोन करके। तो उसके जवाब में कुछ छोटा राजन ने कहा होगा, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में, हमारी देश की पुलिस के काम करने के तरीके बारे में, अंडरवर्ल्ड के लोग कैसे रिक्रूट किए जाते हैं, छोटा राजन कैसे करता था, वो सब बातें हुई। लेकिन वो इंटरव्यू जब पब्लिक हुई उनमें वो सब बातें नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, ये कहानी आपको बताते। अब ये दो बड़ी चैनल के दो बड़े रिपोर्टर बैंकॉक पहुंच जाते हैं, लंबी चौड़ी इंटरव्यू का समय मिल जाता है, तो ये अपने ऑफिसर्स को बाद पीछे इन्फॉर्म करते हैं कि इंटरव्यू फिक्स, इतने बजे से इतने बजे तक हम छोटा राजन से बात करें, और इमीडिएटली आपको टेप भेज देंगे, उसको आप अपने तरीके से एडिटिंग वगैरह करके उसको चला देना, बहुत बढ़िया स्टोरी बनेगी। जैसे ही पहली इंटरव्यू खत्म होती है तो छोटा राजन वो टेप जो रिकॉर्ड की गई थी, जिसके ऊपर पूरी इंटरव्यू सीडी थी या टेप थी या जो भी कैमरे के अंदर यंत्र था, कोई चिप थी जो कुछ था, वो अपने पास रख लेता।
हाँ ये दीपक तरस गया साहब हैरान परेशान, ये क्या हो गया? उसने बोला कुछ नहीं, मैं एक बार इसको देखूंगा, आप इंतज़ार कीजिए, मैं देख के एक बार फिर आपको दे दूंगा, मैं अपने 20,000 रुपये देख लूँगा इसे। उसके बाद दूसरे रिपोर्टर की इंटरव्यू होती है इंडिया टीवी के, संजय अहिरवाल की, वो भी इसी किस्म के सवाल जवाब चलते हैं। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब मुंबई में दिल्ली में दोनों दफ्तरों के हेड ऑफिस में इंतज़ार हो रही होती है कि अभी टेप का लिंक आएगा या कुछ आएगा, देखते हैं तो कुछ नहीं आ रहा। तो दूसरी इंटरव्यू NDTV की भी हुई, सवाल जवाब हुए, बहुत खुल के चौधरी राजन ने बातें की, रिपोर्टर बहुत खुश, ये तो मसाला ही बहुत है, ऐसी बातें तो आज तक दाऊद इब्राहिम के बारे में किसी ने बताई नहीं, मुंबई पुलिस के बारे में नहीं बताई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में किसी ने नहीं बताई, पाकिस्तान दुबई वहाँ पे जो चल रहा था ब्लास्ट के पहले उसके बारे में कुछ बातें किसी ने नहीं बताई। लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हुई तो छोटा राजन के गनमैन ने उनकी टेप भी अपने पास रख ली और दोनों रिपोर्टरों को बोला आप वापस इंडिया जा सकते हो, मैं बहुत जल्दी ये टेप्स देखने के बाद आपको भेज दूंगा, आपको मिल जाएंगी। अरे भाई, दो रिपोर्टर मुंबई से अमला फैला लेके फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके, कैमरामैन, इक्विपमेंट, साथ में असिस्टेंट, लाइटमैन, मेकअप मैन, पूरी यूनिट लेके पहुंचे थे बैंकॉक और खाली हाथ वापस आ गए, टेप बैंकॉक में रह गई। अब एक दिन दो दिन नहीं, दो हफ्ते नहीं, चार हफ्ते नहीं, चार महीने नहीं, टेप इनको नहीं मिली और ये लोग तब तक छोटा राजन कहीं का कहीं पहुंच गया, उसका नंबर किसी के पास नहीं, कांटेक्ट करने का तरीका नहीं। फिर वो अपने सोर्सेस को काम पे लगाया कि यार देखो कोशिश करो कि हमें वो टेप तो मिल जाए, हमारी चैनल ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम छोटा राजन के इंटरव्यू दिखाएंगे, अब क्या करें, हम तो फंस गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटा राजन के ऊपर हुए हमले की कहानी भी दबती गई, पब्लिक मेमोरी इज टू शॉर्ट, लोग ऐसा ऐसा उस हमले की बात भूलने लगे। और अचानक 6 महीने के बाद दोनों टीवी चैनल में एक बाहर से पार्सल पहुंचता जिसमें दो टेप होती हैं, लेकिन वो नहीं होती जो टेप उन्होंने रिकॉर्ड की थी। इन दोनों चैनल ने तो एक एक घंटे से ऊपर के इंटरव्यू की थी, लेकिन इनको आधे से भी कम समय की टेप मिलती हैं एक दूसरी टेप के ऊपर। और उनमें से जो जो इनको लगता था बहुत बड़ा मसाला है, वो सारे का सारा एडिट करके कट करके सिर्फ छोटा राजन को उसके तरीके से अच्छा दिखाने वाला वर्शन इनको भेज दिया गया। अब इन दोनों को मजबूरी से वो चलाना पड़ा, 20-22 मिनट की टेप, एक साथ थोड़ी लंबी है एक छोटी है, वो टेप्स अल्टीमेटली 6 महीने के बाद चली, लेकिन उनका इम्पैक्ट वो नहीं हुआ जो 2000 के सितंबर में जब ये अटैक हुआ था उसके कुछ हफ्तों के बाद इंटरव्यू हुई थी, तभी जो उसका असर होना था, जो मकबूलियत होनी थी, जो TRP मिलनी थी, वो नहीं मिली। और छोटा राजन हैड द लास्ट लाफ, ये जो चैनल वाले अपने आप को खुदा समझते हैं, उनको छोटा राजन ने उनकी जगह दिखा दी कि हम डॉन हैं, जो चाहे कर सकते, और उसने करके दिखाया।
और टीवी चैनल वालों ने, लोगों ने, देखने वालों ने वो देखा जो छोटा राजन उनको दिखाना चाहता था, वो नहीं दिखाया गया या देखा गया जो टीवी चैनल दिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बता दूं, ये एक कारण है कि मैं कभी किसी अंडरवर्ल्ड की फिगर का इंटरव्यू नहीं करता। पहली बात तो वो ऐसी बात करता ही नहीं जो उसको नहीं करनी, और जो बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं वो बातें लोगों को दोबारा सुनाने में मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है। और जब आप बड़े तरीके से इंटरव्यू कर भी लेते हो, वो आदमी फिर भी आपको कांट छांट करके भेज देता है कि ये दिखाइए जो हुई थी उसको भूल जाइए। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है कि इसके अलावा भी छोटा राजन ने ये बात कही थी, वो बात कही थी, इसके बारे में ये कहा था, उसके बारे में वो कहा था, वो आप कह नहीं सकते क्योंकि आपके पास सबूत कोई नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारी टेप उसने रख ली थी, 6 महीने के बाद रेटिंग करके दी है, ये भी नहीं कह सकते आप। तो ये एक सब पत्रकारिता का अंडरवर्ल्ड डाउन छोटे राजन ने देश की दो बड़ी न्यूज़ चैनल को सिखाया, आज तक को और NDTV। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।